सिंध हाई कोर्ट सखर के शहरी मसलन के हल लाए दाखिल पिटीशन से मुख्तलिफ खातन के इख्तियार के नोटिस जारी कर जवाब तलब कर वरतो है। सिंध हाई कोर्ट सखर के जस्टिस सलाउद्दीन पमर और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों से बधल डबल बेंच सखर सिविल सोसाइटी अलायंस के चेयरमैन बैरिस्टर अब्दुल गफार खान पारा दाखिल करायल पिटीशन की बुधड़ी कई। अदालत सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर सखर और सखर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के नोटिस जारी कर जवाब तलब कर वरतो है। पेटिशनर मौकिफ इख्तियार किया है सखर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक हेल्थ खाते के गुजरियल पंजन साल में जेके स्कीमू फंड मिलिया उन्होंने जांच कराई वे शहरी निजाम के बेहतर नमूने हलण में इंतजामिया की नाकामिया जा जिम्मेवार सरकारी ऑफिसर हैं। फेरा रोड में अगवा कल अठे दर्जे की शागिर्दियाणी गुलनाज मल्हा डेढ़ महीने बाद ओचितो पे घर पहुंची वही है। एसएस न्यूज रिपोर्टर शरफुद्दीन कीरियो मूजिब डेढ़ महीनों अग शागिर्दियाणी के जवाबदारन हथियार के जोर से अगवा कयो हो। न्याणी के भाव नदीम मल्हा की फरियाद से फेरा रोड पुलिस काशिफ मल्हा आसिफ मल्हा बिन खिलाफ केस दाखिल कयो हो पर पुलिस जवाबदार गिरफ्तार न कया। घर पौतल गुलनाज के चवण है तो जवाबदारन के अगवा कर जिनसी ज्यादती को निशानो बनाया जिता वजह ऐसी हु फरार थी घर पहुंची है। असिस्टेंट सेशन जज मेहर सैयद मेहदी शाह की अदालत मंशा के केस में दोह साबित थियण से जवाबदार मीर हसन के 2 साल कैद और 2 लाख रुपया दंड की सजा बुधाई है। एसएस न्यूज रिपोर्टर गनी मीरानी मूजिब मेहर इंस्पेक्टर अमीर अली जरदारी की सरबराही में एक्साइज पुलिस जानायल जवाबदार खान नशे वाले सोपारन जहाँ 36 कटा हथ कर केस दाखिल कयो हो। अदालत के रीडर असलम जुणे जो बुधाया है तो जवाबदार मीर हसन असल ओहिस्ता मोहम्मद जो रहवासी है जैसे सजा का पोए दादू जेल माने वो है। सही भरसा समी शहर के रहवासन पेट्रोल एंड डीजल के अघन में वाध और महंगाई खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया। एस एस न्यूज रिपोर्टर मोहरम खान मूजिब मुजाहरे दौरान शहर बैनर और प्लेकार्ड खड़ी हुकूमत खिलाफ सख्त नारेबाजी कई। उन मौके से अगवाणी कदड़ गुलाम फरीद सुमरो अब्दुल खालिक भुट्टो सदाम हुसैन कामरेड मोहम्मद साले बियन गालाइंदे चयो तो हुकूमत फौरी तौर महंगाई से कंट्रोल करे खाद खुराक की शयन जहाँ अघ घटाया वन जी गरीब मानू आसानी से जिंदगी गुजारे सन। सरहाड़ी में वाटर सप्लाई स्कीम के तलावन सरहाड़ी शाख के किनारन से कब्जन सबब वाटर सप्लाई जो पानी गदलो थियण जो इंकशाफ थियो है। एसएस न्यूज रिपोर्टर मेहदी रजा मरी मूजिब सरहाड़ी शाख के किनारन से कब्जा कर वेठल मानून पारा सदन घर के निकाल वो गंदो पानी सरहाड़ी शाख में छोड़ कयो वने थो जडे त टाउन कमेटी इंतजामिया उन शाख में शहरन के पीण लाय पानी फराहम करे थी। उन कर वाटर सप्लाई जरिए गदलो पानी अचण से शहरी परेशानी जो शिकार हैं। उन डस में शहर शाहनवाज बरोही मोहम्मद खान मक्सी तालिब हुसैन खान ज़ादा बियन का चवण है तो जिले इंतजामिया फौरी तौर इन अहम मसले जो नोटिस वे वाटर सप्लाई स्कीम तोड़े शाख त कब्जा खत्म कराए शहर में गणती खत्म कई वे। कंदकोट में कार तकरार बिन धुरन विच में झेड़ो फायरिंग के नतीजे में एक जणो मारजी वो है। एस एस न्यूज रिपोर्टर फरहान मलिक मूजिब घोड़ाघट थाने की हद में कार के तकरार त सुंदरानी और सावंत बिरादरी के बिन धुरन विच में फायरिंग जो वाक्य थो है जे दौरान गोलियों लगन सबब 35 वरियन जो सोराब सावंत मारजी वो है। मारजी वेल जो लाश सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कयो वयो बे पासे फायरिंग सबब इलाके में खौफ पखिड़जी वो है। वफाकी टैक्स मोहतसिब एफटीओ जी हैदराबाद में रीजनल ऑफिस कायम कई वही है। ऑफिस के इफ्तताही तकरीब मुकामी होटल में थी। तकरीब के खास मेहमान और वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जहा खिताब कदे तो हैदराबाद में ऑफिस खोलने जो मकसद यो है कें भी टैक्स पेयर के दुखियाई थिए तो अची रहनुमाई वी सके। एस एस न्यूज रिपोर्टर साकिब कुबर मूजिब वफाकी टैक्स मोहतसिब जिन मानन की सालाना आमदनी 6 लख का घट है उन्हें का भी टैक्स वसूल न कई वी। मोहतसिब की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है कें भी शहरी के शिकायत हुए तो यो ऑफिस अची मसलो हल कराए सके थो। तारीख में पे भेरों बिजनेसमैन और चेंबर वारन के भी मेंबर बनाया वो है। एफटीओ जो ऑर्डर कें भी कोर्ट में चैलेंज नो सके टैक्स जमा थियण से मुल्क तरक्की दाँव उन मौके से कस्टम कलेक्टर हैदराबाद मुमताज खोसे चीफ कमिश्नर फारूक आजम मेमण और बियन पिण शिरकत कई है।